बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पूरा पाकिस्तान के जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशंस हैं, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, उनसे एक तफसीर का एक मीटिंग रखा था जिसमें हमने पूरा पाकिस्तान के जो मेडिकल, जो डॉक्टर्स, जो नर्सेज, जो पैरामेडिक्स हैं, उनके मिसाइल पे तफसील से हमने बात की है। उसमें हमारा यंग डॉक्टर्स का कहना है कि आज तक पूरा पाकिस्तान में वो मसाइल का सामना कर रहे हैं। कल ही आजाद कश्मीर का जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन है वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, मगर वहां के हुकूमत ने उन पर तशद्दुद किया, उनको गिरफ्तार किया गया और आजाद कश्मीर के यंग डॉक्टर्स सिर्फ अपने हक का मुतालबा कर रहे थे। वो ये मुतालबा कर रहे थे कि जो बाकी पाकिस्तान में हम अपने डॉक्टर्स को फैसिलिटेशन दे रहे हैं, वही फैसिलिटीज हमें अपना आजाद कश्मीर के डॉक्टर्स को भी देना चाहिए। तो हम उस हमला को भी मजहमत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि पूरा पाकिस्तान में आजाद कश्मीर से लेके कराची तक हर डॉक्टर को जो रिस्क अलाउंस है, रिस्क अलाउंस फॉर ऑल होना चाहिए। जैसे हमने सिंध में, सिंध हुकूमत ने अपना पूरा सेहत के जो एम्प्लॉयज है उनके लिए बंदोबस्त किया है। ये मुतालबा यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का मुतालबा है, ये मुतालबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतालबा है कि जो हमारा फ्रंट लाइन सोल्जर्स है, जो अपने आप को खतरा में डाल के आपका और मेरा जिंदगी और सेहत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको वो हम फैसिलिटीज दे जो उनका हक है। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि पाकिस्तान के यंग डॉक्टर्स के साथ थे, हम सब मिलकर ये मुतालबा करें कि हुकूमत पाकिस्तान यंग डॉक्टर्स का मुतालबा पूरा करे, उनको पाकिस्तान भर में रिस्क अलाउंस फॉर ऑल का मुतालबा है, उनका सिक्योरिटी लेजिस्लेशन का मुतालबा है, उनके बहुत ही मसाइल हैं। और अगर वजीर आजम साहब कहता है कि हमारा यंग डॉक्टर्स, हमारा फ्रंटलाइन सोल्जर्स इस वक्त कोरोना के खिलाफ जिहाद लड़ रहा है, तो हुकूमत वक्त और रियासत पाकिस्तान को हमारे जिहाद करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स को पूरा तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। आपका शुक्रिया।